हेलो स्टूडेंट्स, आज हम देखने वाले हैं डोमेन ऑफ अ कंपोजिट फंक्शन। तो डोमेन एक्चुअली स्टार्ट करने से पहले हम देख लेते हैं कंपोजिट फंक्शन क्या होता है, तो उसको समझते हैं। हम देखना बच्चों, हम लिख रहे हैं कंपोजिट फंक्शन, इसके बारे में कंपोजिट फंक्शन। इन शॉर्ट मैं क्या बोलूंगा, दिस इज फंक्शन ऑफ अ फंक्शन। पहले लिख लो, उसके बाद मैं एक्सप्लेन करता हूं। दिस इज फंक्शन ऑफ अ फंक्शन, ठीक है। इसका मतलब क्या है, फंक्शन ऑफ अ फंक्शन मतलब हिंदी में तो मैं बोलूंगा फंक्शन का फंक्शन है ये, ठीक है। अब देखना, जैसे कि मैंने लिखा y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ई की पावर x लिखा एक, और एक लिखा मैंने ई की पावर साइन x। तो देखो, ये जो हमारा फंक्शन है ना, ये वाला जो नीचे वाला फंक्शन लिखा है y इज इक्वल टू ई की पावर साइन, दिस इज बेसिकली अ कंपोजिट फंक्शन। क्या लिखा है बेसिकली, देखो इसकी ई की पावर x में क्या लिखा है, एक फंक्शन लिखा है, समझ में आ रहा है। तो जैसे अगर मान लो मैंने इसको एफ एक्स को ई की पावर एक्स बोला, और लेट से जी एक्स को मैंने साइन एक्स बोला, देखना ध्यान से, तो मेरा ये फंक्शन क्या हो जाएगा, देखना ध्यान से, ई की पावर में साइन एक्स लिखा है, साइन एक्स है क्या, जी एक्स, तो दिस कैन बी रिटर्न एज एफ ऑफ जी ऑफ एक्स। क्लियर हुआ, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, एफ एक्स में एक्स की जगह हम जी एक्स रख देंगे तो क्या आ जाएगा, ई की पावर साइन एक्स, तो दिस इज कॉल्ड कंपोजिट फंक्शन सी एफ। क्लियर हुआ, जैसे और एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे मैंने लिखा e की पावर टेन इनवर्स, चलिए e की पावर हो गया हमारा, लॉग ले लेते हैं, लॉग ऑफ टेन इनवर्स x, दिस इज अगेन अ कंपोजिट फंक्शन। तो बाहर फंक्शन क्या है हमारा, लेट से मैं इसको f बोल रहा हूं, तो f ऑफ x इज इक्वल टू लॉग x, अंदर क्या है टेन इनवर्स x, तो इसको बोल रहा हूं g ऑफ x इज इक्वल टू टेन इनवर्स x। तो ओवरऑल ये वाला फंक्शन मेरा क्या हो जाएगा, देखना ध्यान से, देखो log of tan inverse x, तो log मतलब f of gx, क्या हो जाएगा ये f of gx। क्लियर हुआ, अब हम दो से तीन पे भी जंप कर सकते हैं। जैसे मैंने लिखा इधर लिख लेता हूं, चलो मैंने लिखा tan inverse of, चलो उल्टा करते, tan inverse of sin of cos x, ठीक है, दिस इज अ कंपोजिट फंक्शन। अब इधर क्या है, तीन तीन फंक्शन है, मतलब क्या होगा ये, अगर मैं टेन इनवर्स बाहर वाले फंक्शन को एफ बोल रहा हूं, इसको एफ ऑफ एक्स, साइन एक्स को जी ऑफ एक्स, इसको लेट से एच ऑफ एक्स, तो मेरा ये ओवरऑल फंक्शन क्या हो जाएगा, एफ ऑफ जी ऑफ एच ऑफ एक्स। क्लियर हुआ, ठीक है, चलो अब हम देख लेते हैं कि डोमेन बेसिकली क्या, कैसे निकालते हैं हम कंपोजिट फंक्शन का। तो उससे पहले तुम लोग वीडियो पॉज करके इसको कॉपी कर लो, ठीक है, व्हाट इज, बाकी डिटेल डिस्कशन आएगा, कंपोजिट फंक्शन एक सेपरेट टॉपिक है, ठीक है ना, हम बहुत डिटेल डिस्कशन करने वाले हैं। अभी बस उतना बता दिया कि कंपोजिट फंक्शन होता कितना है, सो दैट हम डोमेन निकालते वक्त हमें पता तो चले कि हम किसका डोमेन निकाल रहे हैं, ठीक है। तो मैं इसको रब कर देता हूं, क्या बोला मैंने, अब हम निकालेंगे डोमेन ऑफ अ कंपोजिट फंक्शन, सीखते हैं। क्या देखा हमने, कंपोजिट फंक्शन क्या होता है, फंक्शन का भी फंक्शन, मतलब जो फंक्शन होता है उसके आर्ग्यूमेंट में हम x की जगह एक फंक्शन डालते हैं, ठीक है ना, x की जगह एक फंक्शन डालते हैं। तो मैं देखता हूं, चलो मैंने लिखा, अब एग्जांपल के थ्रू ही स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना। जैसे मैंने लिखा e की पावर साइन x, दिस इज अ कंपोजिट फंक्शन, चलो इसको हम पूरा प्रॉपर लिखते जाते हैं। अगर मैंने इसको, मैं क्या लिखूंगा, अगर मैंने पहले एफ एक्स को अगर e की पावर x बोला, और लेट से जी एक्स को मैंने साइन x बोला, तो ये जो मेरा फंक्शन है क्या लिखा है, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, एफ एक्स के आर्ग्यूमेंट मतलब एक्स में मैंने क्या लिखा, जी एक्स लिख दिया, तो ई की पावर साइन एक्स आ जाएगा। क्लियर है, अच्छा अब हम कैसे करेंगे, इन जनरल क्या होता है कि डोमेन निकालने के लिए हम बाहर से अंदर की तरफ जाते हैं। इसका मतलब क्या है, देखना सुनना, पहले मैं बाहर जो फंक्शन है ई की पावर एक्स, बाहर जो फंक्शन है एफ ऑफ एक्स जो है ई की पावर एक्स, उस पर देखूंगा उसको कहां दिक्कत है, दिक्कत से मतलब व्हाट इज द डोमेन ऑफ दैट। तो मैं आया इसके पास, व्हेन देन आई आस्क कि भाई इस e की पावर का आर्ग्यूमेंट क्या होना चाहिए, मतलब डोमेन के रिस्पेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से, तो e की पावर तो कुछ भी हो चलेगा, मतलब e की पावर में इधर कोई भी नंबर लिखा हुआ एक्स रियल, तो दैट इज डिफाइंड, तो e को तो कोई दिक्कत नहीं है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन को कोई दिक्कत नहीं है, इसके रिस्पेक्ट में डोमेन इज आर, मतलब इसकी पावर में कुछ भी लिखा हो चलेगा। फिर हम अंदर गए तो अंदर मिला साइन एक्स, फिर हमने साइन एक्स से पूछा साइन एक्स के आर्ग्यूमेंट को क्या होना चाहिए, मतलब साइन एक्स को डिफाइन होने के लिए क्या होना चाहिए, तो अगेन इसको भी कोई दिक्कत नहीं, साइन एक्स को मतलब एक्स कुछ भी रखो, साइन एक्स कुछ भी आएगा, उस कुछ भी पे ई की पावर हमेशा डिफाइन होगा, हेंस ओवरऑल इसका डोमेन क्या हो जाएगा, डोमेन ऑफ फंक्शन इज इक्वल टू
डोमेन ऑफ दिस फंक्शन इज इक्वल टू हमारा ऑल रियल वैल्यूज। समझ में आया क्या हुआ? एक बार और क्या करेंगे हम, बाहर वाले फंक्शन से अंदर की तरफ जाएंगे। बाहर हमारा क्या है, एफ ऑफ एक्स विच इज ई की पावर एक्स। फिर मैंने बोला कि हम ई की पावर एक्स देखेंगे क्या ये कब अनडिफाइंड हो रहा है, तो हमें देखिएगा ई की पावर एक्स तो हमेशा डिफाइंड है, तो ई की पावर को कोई दिक्कत नहीं है। फिर हमने देखा इसका आर्ग्यूमेंट में क्या लिखा है, तो साइन एक्स लिखा है। फिर साइन एक्स के पास गए, फिर हमने पूछा साइन एक्स को कोई दिक्कत कहीं किसी एक्स पे, तो उसको भी कोई दिक्कत नहीं है, इसको भी दिक्कत नहीं है, इसको भी दिक्कत नहीं है, तो हमारा ओवरऑल डोमेन क्या हो जाएगा, हम एक्स कुछ भी रख सकते हैं। क्लियर हुआ? चलो और क्लियरिटी आई, हम और एग्जाम्पल देखते हैं। अब मैं क्या करता हूँ, देखना इनवर्स ले लेता हूँ ई की पावर साइन इनवर्स एक्स। दिस सेकेंड एग्जाम्पल, दिस फर्स्ट वन। आप देखना अगेन मैं क्या करूंगा, इन जनरल मैंने ये हार्ड एंड कोर नहीं बोला कि अंदर बाहर से अंदर की तरफ भी जाएंगे, अंदर से बाहर की तरफ भी आ सकते हैं, वो डिपेंड करता है क्वेश्चन टू क्वेश्चन, बट मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन यू हैव टू गो फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड। सबसे पहले ई की पावर अब गया, तो पहले अगर मैं इसको एफ ऑफ जी एक्स बोल रहा हूं, अगर मैंने इसको एफ ऑफ जी एक्स बोला, तो माई एफ एक्स इज ई की पावर एक्स एंड माई जी एक्स इज साइन इनवर्स एक्स। क्लियर है? ये तो बहुत छोटी सी चीज हो गई। ई के पास गए तो हमने बोला ई को कोई दिक्कत, कोई दिक्कत से मतलब ई की पावर में क्या अलाउड वैल्यूज है, तो ई की पावर में कुछ भी चल सकता है, मतलब ई की पावर एक्स इज ऑलवेज डिफाइंड, तो इसको कोई दिक्कत नहीं। फिर हम अंदर आए, साइन इनवर्स एक्स को कोई दिक्कत, हाँ इसको दिक्कत है, इसका जो एक्स है दैट शुड लाई बिटवीन माइनस वन टू वन, तो ओवरऑल डोमेन क्या बोलूंगा फिर मैं इसका, ई की पावर में कुछ भी लिखा हो कोई टेंशन नहीं है, साइन इनवर्स एक्स हाँ ये इसको डिफाइन होने के लिए एक्स को क्या होना चाहिए माइनस वन टू वन, हैंस इस फंक्शन का ओवरऑल डोमेन क्या बोलेंगे हम, माइनस वन से वन, माइनस वन से वन रखेंगे तभी साइन इनवर्स एक्स डिफाइन होगा, वो कुछ आउटपुट जनरेट करेगा और वो ई की पावर में आ जाएगा। क्लियर हुआ बच्चों? समझ में आया ना कैसे किया हमने, बाहर से अंदर की तरफ गए, एकदम याद रखना। अब हम करते उल्टा कर देते हैं, अब मैंने लिखा साइन ऑफ ई की पावर एक्स, तो अगर अगेन अगर मैं इसको एफ ऑफ जी एक्स बोल रहा हूँ कंपोजिट फंक्शन, तो मेरा एफ एक्स क्या है, एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स, और जी एक्स मेरा क्या है, ई की पावर एक्स। ठीक है, तो अगेन बाहर वाले फंक्शन के पास गया, साइन एक्स को कोई दिक्कत, इसके आर्ग्यूमेंट में कुछ भी रख सकता हूँ, हाँ साइन एक्स को कोई दिक्कत नहीं। फिर अंदर गए, ई की पावर एक्स को कोई दिक्कत, ई की पावर एक्स को भी कोई दिक्कत नहीं है, ई की पावर एक्स इज ऑलवेज डिफाइंड, हैंस द डोमेन इज ऑल रियल वैल्यूज। क्लियर हुआ? समझ में आया? तो एक कॉम्बिनेशन और बचता हमारा, साइन इनवर्स ऑफ ई की पावर एक्स, वो देख लेते हैं। तो मैं इसको रब कर देता हूँ, तुम लोग कॉपी कर लो, साइन इनवर्स ऑफ ई की पावर एक्स, देखना ये इंटरेस्टिंग है थोड़ा, तो इसको तुम लोग एक बार वीडियो पॉज करके उसको से करो। क्या लिखा मैंने, साइन इनवर्स ऑफ ई की पावर एक्स, ठीक है, यू जस्ट ट्राई ऑन योर ओन एक बार वीडियो पॉज करके, उन तीनों से बेटर क्वेश्चन है ये। ठीक है, अब देखना मैं स्टार्ट करता हूँ डिस्कशन, तो बाहर से स्टार्ट किया, तो बाहर क्या लिखा है, साइन इनवर्स, तो साइन इनवर्स हमेशा डिफाइन होता है कि नहीं, जो उसका आर्ग्यूमेंट होना चाहिए दैट शुड लाई बिटवीन माइनस वन टू वन, तो फिर मैं क्या लिखूंगा, इसका आर्ग्यूमेंट क्या, ई की पावर एक्स, तो e की पावर x शुड बी लेस देन इक्वल टू 1 एंड ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस 1, तो ये तो दो इनइक्वालिटी है। तो अब देखना इसको मैं दो में ब्रेक कर रहा हूं, e की पावर x ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस 1 एंड मतलब दोनों होना चाहिए, ये भी माइनस 1 से बड़ा होना चाहिए एंड एट द सेम टाइम मतलब इंटरसेक्शन e की पावर x शुड बी लेस देन इक्वल टू 1। समझ में आया इंटरसेक्शन क्या होता है, जैसा मैंने बोला कोई नंबर इन दोनों के बीच में होना चाहिए, तो ये दो इनइक्वालिटीज में ब्रेक होता है, कल के लेक्चर में भी हमने देखा था। फिर इसको सेपरेटली सॉल्व करो, इसको सेपरेटली सॉल्व करो, उन दोनों का इंटरसेक्शन इज माय फाइनल आंसर। इंटरसेक्शन क्यों ले रहे हैं, बिकॉज ये भी ट्रू होना चाहिए एंड एट द सेम टाइम ये भी ट्रू होना चाहिए। क्लियर है बच्चों? तो e की पावर x ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस 1 ये तो हमेशा ट्रू होता है, क्योंकि e की पावर x का जो ग्राफ होता है वो तो हमेशा x एक्सिस के ऊपर होता है, वो तो जीरो से हमेशा बड़ा होता है, तो माइनस 1 से तो बड़ा हो गई, तो इसका इंटरसेक्शन तो इसका आंसर तो r आएगा। अब r का इंटरसेक्शन मैं इसके आंसर के साथ लूंगा तो आंसर क्या आएगा, जो इसका आंसर होगा, तो इसको तो सॉल्व करना मतलब ही नहीं बनता, मतलब एक्चुअली सॉल्व करना मतलब नहीं बनता, मतलब आर है तो इसका इंटरसेक्शन इसके साथ लूंगा तो जो आंसर इसका होगा वही ओवरऑल आंसर होगा। तो फाइनली आई एम सॉल्विंग दिस वन, ई की पावर एक्स लेस देन इक्वल्स टू 1, इससे जो मेरा एक्स निकल के आएगा दैट इज डोमेन, वो एक्स मैं रख सकता हूँ। तो ई की पावर एक्स लेस देन इक्वल्स टू 1 को हम कैसे करें, ग्राफिकली भी कर सकते हैं या फिर लॉग लेके भी कर सकते हैं। देखो ग्राफिकली ज्यादा आसान रहेगा, कैसे, देखो ई की पावर एक्स का ग्राफ बनाया, दिस इज 1 याद रखना, x इज इक्वल टू 0 पे। फिर मैंने ये मैं वो बोल रहा हूँ क्या, सॉल्विंग इन इक्वालिटी इज यूजिंग ग्राफ, दिस इज एफ एक्स दिस इज जी एक्स, और फिर y इज इक्वल टू 1 बनाया, तो y इज इक्वल टू 1 बनाऊंगा तो इट इज दिस वन। अब मुझे क्या चाहिए, e की पावर x नीचे आना चाहिए,
नीचे आना चाहिए, मतलब मैं दूसरे कलर से कर देता हूँ मार्क। दिस इज माई फेवरेबल केस, ये जो मैं मार्क कर रहा हूँ अभी, दिस इज माई फेवरेबल, बिकॉज इस पर्टिकुलर रीजन में हमारा e की पावर x y इज इक्वल टू 1 के नीचे है, तो इसके करस्पॉन्डिंग x क्या होगा, ये माइनस इन्फिनिटी से आ रहा है और जीरो तक आएगा, और जीरो पे भी क्लोज आएगा क्योंकि दोनों इधर भी इक्वालिटी आ रहा है। तो हमारा ओवरऑल डोमेन क्या हो जाएगा, फाइनली डोमेन मतलब x की वैल्यू जिसके लिए ये होल्ड कर रहा है, क्या हो जाएगा, माइनस इन्फिनिटी से जीरो क्लोज। क्या लिखूंगा, माइनस इन्फिनिटी से जीरो क्लोज। दिस इज इंपॉर्टेंट, ये अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है ना। अभी तक हमने जो तीनों किए थे कंपोजिट फंक्शन के, उसमें बोलूंगा सबसे बेटर ये क्वेश्चन था, क्लियर है। चलो अब हम और क्वेश्चन देख लेते हैं। देखना, मैं इसको रब कर देता हूं, तुम लोग कॉपी कर लो इसको। देखना, मैंने लिखा और कंपोजिट बना देते हैं हम, मैं साइन हो गया आपसे। देखो दिस इज फिफ्थ वन, ln ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, एक तो ये लिखा है, और इसी के विज़ हम ले लेते हैं दूसरा एग्जांपल, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ ln x। देख रहे दोनों में अंतर क्या है, सुनना। अगर मैं इसको f ऑफ जी एक्स बोल रहा हूँ, इफ आई एम टेलिंग दिस एज f ऑफ जी एक्स, और इधर इधर भी मैं इसको f ऑफ जी एक्स बोल रहा हूँ, तो पहले तो काम मेरा f और g लिखना, अगेन दैट विल नॉट बी यूज फॉर डोमेन, बट फिर भी मैंने लिखना है प्रैक्टिस के लिए, बिकॉज आगे भी हमें कंपोजिट फंक्शन पढ़ना ही है, तो अभी से ही हैबिट बनाई। तो अगर ये मैं f of gx बोल रहा हूं, तो मेरा इधर इसके इस सिनेरियो के साथ fx क्या होगा, fx will be ln x, और जो मेरा gx होगा वो क्या होगा, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। तो रख के देख लो, f of gx निकालोगे तो क्या करोगे, इस ln का जो आर्ग्यूमेंट है उसमें फ्रैक्शनल पार्ट रखोगे, तो ln ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x आ जाएगा। अब इधर आते हैं, इधर मेरा बाहर वाला फंक्शन क्या है, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, तो इधर मेरा fx क्या हो जाएगा, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, और इधर मेरा जी एक्स क्या हो जाएगा, ln x। एक बार रख के देख लो, f ऑफ जी एक्स निकालोगे तो क्या करोगे, x एफ एक्स में x की जगह क्या रखोगे, जी एक्स, एंड जी एक्स इज ln x, तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ ln x आ जाएगा। क्लियर हुआ, तो ये तो हो गया कंपोजिट के बारे में। अब आते हैं हम इसके डोमेन के बारे में, तो पहले इसको देखते हैं। तो मैं गया पहले बाहर वाले फंक्शन के पास, तो फिर मैंने बोला बाहर वाले फंक्शन का, देखा बाहर वाले फंक्शन जो है ln x है, उसको कहीं दिक्कत होती है, हाँ वो क्या होना चाहिए, उसका जो ln का आर्ग्यूमेंट होना चाहिए, दैट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो, नॉट इक्वल टू जीरो, दैट शुड बी ग्रेटर देन जीरो। तो इसका मतलब जो ln का आर्ग्यूमेंट है, व्हिच इज फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x जो होना चाहिए, दैट शुड बी ग्रेटर देन जीरो। अब मैंने देखा क्या हम x, क्या ये हमेशा जीरो से बड़ा होता है, नहीं, ये जीरो से बड़ा तो होता है, बट जीरो भी होता है, क्योंकि हमने इसका ग्राफ भी देखा है, इट इज समथिंग लाइक दिस एंड सोन, जो वर्टिकल लाइन से वो डेड डैश है। तो यू कैन सी कि ये एक्स एक्सिस के ऊपर रहता है, प्लस जीरो भी होता है, और जीरो होता कहाँ है, ऑफ कोर्स इंटीजर्स पे, क्योंकि इंटीग्रल इंटीजर्स का फ्रैक्शनल पार्ट क्या होता है, जीरो होता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसमें मैं एक्स कुछ भी रख सकता हूँ एक्सेप्ट इंटीजर्स, इंटीजर्स पे क्या हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा, और बाकी सभी नंबर्स पे दिस इज ऑलवेज पॉजिटिव। हेंस क्या होगा डोमेन, हमारा डोमेन इज, देखना ध्यान से, अच्छे क्वेश्चन है ये, ठीक है ना, डोमेन इज क्या हो जाएगा, ऑल रियल वैल्यूज एक्सेप्ट इंटीजर्स आर माइनस आई। समझना इंटीजर्स को क्यों हटाया मैं, क्योंकि इंटीजर्स पे फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स क्या होगा, जीरो होगा, तो जीरो ग्रेटर देन जीरो गलत हो जाएगा, बाकी सभी नंबर्स पे एक्सेप्ट इंटीजर्स दिस इज ऑलवेज पॉजिटिव, हेंस पॉजिटिव ग्रेटर देन जीरो। क्लियर हुआ, चलो अब तुम लोग वीडियो पॉज करके एक बार इसको ट्राई करो, ठीक है ना, मैं इसको सॉल्व कर रहा हूं। तो बाहर वाले फंक्शन के पास गए, जैसे कि हम जाते हैं कंपोजिट में, फ्रैक्शनल पार्ट को, फिर हमने पूछा फ्रैक्शनल पार्ट को कोई दिक्कत होती है, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स को कोई दिक्कत होती है, बाहर वाला फंक्शन जो है हमारा उसको कहीं दिक्कत नहीं, दैट इज डिफाइंड फॉर ऑल एक्स, वो तो अभी हमने ग्राफिकली देखा, वैसे ही पता है हम किसी भी फंक्शन का उसमें डोमेन कुछ भी रख सकते हैं, तो इसको तो कोई दिक्कत नहीं। फिर हम अंदर गए, अंदर मिला हमें ln x, फिर ln x को देखा, कोई दिक्कत, हाँ ln x को दिक्कत है, उसका जो आर्ग्यूमेंट है दैट शुड बी पॉजिटिव, तो उसका ओवरऑल डोमेन क्या हो जाएगा, r प्लस पॉजिटिव रियल वैल्यूज, जीरो भी नहीं रखेंगे बिकॉज ln जीरो डिफाइन नहीं होगा, और नेगेटिव रख नहीं सकते बिकॉज ln ही डिफाइन नहीं होगा। बाहर वाले फंक्शन को इधर कोई दिक्कत नहीं थी, बाहर वाले के फंक्शन के हिसाब से डोमेन इज r, बट जैसे ही अंदर मूव किए तब हमें डोमेन कम हो गया हमारा r प्लस। क्लियर है बच्चों, ठीक है, चलो अब हम और एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो मैं एक काम करता हूँ, इसको यहाँ लिख लेता हूँ, ठीक है। मैंने लिखा
साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स, अच्छा दो लिख रहा हूँ मैं, ठीक है ना, एक बार तुम लोग वीडियो पॉज करके एक बार खुद से ट्राई करो दोनों, साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स। पहले अगर मैं दोनों को एफ ऑफ जी एक्स बोल रहा हूँ, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, तो पहले एफ एक्स लिखो और जी एक्स लिखो दोनों फंक्शन में, दोनों फंक्शन में जैसे कि इंटरचेंज हो जाएंगे, जैसे कि इधर मेरा एफ एक्स क्या है, एफ एक्स इज साइन एक्स एंड जी एक्स इज साइन इनवर्स एक्स, इधर मेरा एफ एक्स क्या है, साइन इनवर्स एक्स, और जी एक्स मेरा क्या है, साइन एक्स। नाउ इन बोथ द केसेस दिस इज एफ ऑफ जी एक्स, दिस इज एफ ऑफ जी एक्स, ठीक है। अब मैं चलो इसका डिस्कशन लेता हूँ, मैंने बोला बाहर साइन है तो साइन को कोई दिक्कत, साइन एक्स का आर्ग्यूमेंट कुछ भी हो सकता है जो बाहर वाला फंक्शन है, इसकी तरफ से कोई दिक्कत नहीं। फिर हम अंदर मूव किए, साइन इनवर्स एक्स मिला, उसको कोई दिक्कत, हाँ उसका जो आर्ग्यूमेंट है दैट शुड लाई बिटवीन माइनस वन एंड वन, हेंस द डोमेन इज माइनस वन से वन। क्लियर हुआ बच्चों? अच्छा अब हम इस पे आते हैं, इसमें मैंने देखा हम बाहर वाले फंक्शन के पास आएंगे पहले, तो बाहर वाला फंक्शन क्या है, साइन इनवर्स एक्स, ये साइन इनवर्स एक्स है, इसको कोई दिक्कत, हाँ इसका जो आर्ग्यूमेंट है दैट शुड लाई बिटवीन माइनस वन टू वन, हेंस मैं बाहर वाले फंक्शन के रिस्पेक्ट में क्या लिखूंगा, जो इसका आर्ग्यूमेंट है, विच हियर इट इज साइन एक्स, दिस शुड बी लेस देन इक्वल्स टू वन एंड ग्रेटर देन इक्वल्स टू माइनस वन, ठीक है। अब मुझे बताया कि ये तो हमेशा ही ट्रू है फॉर ऑल एक्स, मतलब मैं एक्स कुछ भी रखूं साइन एक्स जो होगा दैट विल ऑलवेज लाई बिटवीन माइनस वन टू वन, और वो माइनस वन टू वन जो आउटपुट आ रहा है साइन एक्स का वो एज अ इनपुट जा रहा है साइन इनवर्स एक्स को, हेंस दिस इज ऑलवेज डिफाइंड, क्योंकि साइन एक्स क्या है, इट इज ऑलवेज लाइंग बिटवीन माइनस वन टू वन, हेंस द डोमेन इज आर ऑल रियल वैल्यूज। क्लियर हुआ बच्चों? ठीक है ना, चलो तो ये हो गया हमारा कंपोजिट फंक्शन, अब हम कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं मिक्स्ड एग्जांपल टाइप, ठीक है। तो बिफोर दैट यू जस्ट कॉपी दिस, आई विल राइट नाउ, ठीक है, याद रखना कंपोजिट, जैसे अभी हम रेंज भी पढ़ेंगे ना, तो देखो जो रेंज वाला पार्ट है ना वो थोड़ा टफ पार्ट है, टफ इन द सेंस डोमेन में उतना मेहनत नहीं लगता है जितना रेंज में लगता है, ठीक है। आगे हमारा एक लेक्चर बाद आएगा रेंज टॉपिक, वो हम वो काफी इससे ज्यादा अच्छा लेवल का है, डोमेन तो काफी मतलब प्रोसीजरल अप्रोच बोल सकता हूँ मैं, ठीक है। चलो अब मैं एक दो एग्जाम्पल देखते हैं, मैंने लिखा अंडर रूट ऑफ एक्स माइनस मॉड एक्स, ठीक है, चलो ऐसे लिखा मैंने, कहा फाइंड डोमेन, तो पहले वीडियो पॉज करके तुम लोग ट्राई करो, मैं इसको बताता हूँ, ठीक है। तो रूट ऑफ एनीथिंग कल बताया था, रूट ऑफ एफ जो है उसको डिफाइन होने के लिए एक तो एफ डिफाइन होना चाहिए, प्लस एफ शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो, मतलब नेगेटिव नहीं होना चाहिए, तो एक्स माइनस मॉड एक्स तो हमेशा डिफाइन है, अब उसको क्या होना चाहिए, उसके अंडर रूट के अंदर लिखा है, इवन रूट के अंदर लिखा है, हेंस दैट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो, तो डोमेन कैसे आएगा हमारा, एक्स माइनस मॉड एक्स शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो, ठीक है। अच्छा अब इसको दो तरीके से कर सकते हैं, व्हाट आई विल प्रेफर इज ग्राफिकल अप्रोच, विदाउट ग्राफिकल ऑल्सो यू कैन डू, तुम लोग केस बना के कर सकते हो, हमें मॉड हटाना है पहले, एक्स दो केस बनाओ, एक्स ग्रेटर देन जीरो, एक्स लेस देन जीरो, ठीक है ना, एक्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो एंड एक्स लेस देन जीरो, उन दोनों के लिए इसको सॉल्व करो, ठीक है। मैं क्या कर रहा हूँ, इसको ग्राफिकली कर रहा हूँ, तो ग्राफिकली क्या हो गया, एक्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू मॉड एक्स, ठीक है, तो दिस इज एफ एक्स एंड दिस इज जी एक्स, तो एफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू जी एक्स है, तो सॉल्विंग इनइक्वालिटीज यूजिंग ग्राफ्स, तो मैं क्या कर रहा हूँ, दोनों का ग्राफ बनाता हूँ, वाई इज इक्वल टू एफ एक्स एंड वाई इज इक्वल टू जी एक्स, तो पहले मैंने x का बनाया, x ये हमारा ब्लैक वाला, अब मैं बना रहा हूं मॉड x का, तो मॉड x का क्या होता है ग्राफ, उस दिन बताया था मॉड x इज v शेप, मॉड x जीरो का हो रहा है, जीरो पे तो ये जीरो, फिर यहां से v शेप, ये हो गया हमारा मॉड x, ठीक है। तो ये वाला जो पार्ट है, ये जो ब्लैक वाला, ये वाला जो पार्ट है जिसमें मैंने पेन रखा है, ये तो दोनों ग्राफ में आएगा, और मॉड x के लिए ये वाला है, x के लिए ये, ठीक है। चलो अब मैं देखता हूं कि x का ग्राफ कब ऊपर है, तो देखो x लेस देन जीरो के लिए है, तो दिख रहा है ब्लू वाला ग्राफ विच इज मॉड x, ये हमारा मॉड x है वो ऊपर है, तो लेस देन जीरो के लिए तो कभी ट्रू नहीं है, लेस देन जीरो, x लेस देन जीरो के लिए मॉड x हमेशा बड़ा होगा, x नहीं होगा, बट फॉर x ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो क्या होगा हमारा, ये दोनों बराबर होंगे, क्योंकि देखो इसके बाद जीरो से ये दोनों, ये वाली लाइन कॉमन है दोनों ग्राफ के लिए, दिस लाइन इज कॉमन, तो equality will hold, x is equals to mod x for x greater than equals to zero, hence इसका आंसर क्या हो जाएगा, x belongs to zero close से infinity। क्लियर हुआ कैसे आया, नेगेटिव पार्ट क्यों नहीं आया, बिकॉज नेगेटिव x के लिए हमारा mod x बड़ा होता है, mod x का ग्राफ ऊपर होता है, of course होगा, mod x is a positive number और x negative के लिए, x तो एक negative number है, positive number is greater than negative number, क्लियर है। चलो अब इसी में थोड़ा सा मॉडिफाई करता हूँ एक क्वेश्चन, देखना इसको लिखा मैंने f of x is equal to
वन अपॉन अंडर रूट, चलो अब इसको उल्टा कर दे, मॉड एक्स माइनस एक्स। ठीक है, वीडियो पॉज करो, तुम लोग एक बार ट्राई करो इसको। ठीक है, मैं इसको सॉल्व करता हूं। तो अब क्या लिखा है, डिनोमिनेटर में लिखा है, तो वन अपॉन एफ एक्स को डिफाइन होने के लिए एफ एक्स तो डिफाइन होना ही चाहिए, प्लस एफ एक्स शुड नॉट बी जीरो। तो मेरे को क्या चाहिए कि ये जो चीज है ना वो जीरो भी नहीं होना चाहिए। चलो, तो फिर ये जो क्वांटिटी अंडर रूट ऑफ मॉड एक्स माइनस एक्स, दिस, अच्छा चलो एक काम करते, अंडर रूट हटाई देते, कोई दिक्कत नहीं, मॉड एक्स माइनस एक्स शुड बी ग्रेटर देन जीरो, इक्वल टू जीरो भी नहीं होगा। देखो इधर तो न्यूमरेटर में था ना, इसलिए इक्वालिटी आया था, बट इधर वो चीज डिनोमिनेटर में लिखी है, तो इट शुड बी ग्रेटर देन जीरो। ठीक है, चलो अब मॉड एक्स माइनस एक्स, ठीक है, तो अगेन ग्राफिकली, ग्राफ यहां बना हुआ, मैं इधर ही बना देता हूं उसका। ठीक है, नहीं अब मॉड एक्स, इससे मेरा क्या आया, तुम लोग सेपरेटली बनाना, मॉड एक्स ग्रेटर देन एक्स। तो एक तरीका तो क्या है, तुम केसेस बना के एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, एक्स लेस देन जीरो, दो केसेस बनाओ, बट आसानी क्या होगी ग्राफिकली। तो मॉड एक्स का ग्राफ बनाया है, एक्स का ग्राफ बनाया है, अब हमें क्या चाहिए, मॉड एक्स का ग्राफ ऊपर होना चाहिए, बराबर भी नहीं होना चाहिए, बराबर भी नहीं होना चाहिए, इट शुड बी ऑलवेज अबव। तो अबव कब आ रहा है, ये वाला रीजन देखो, जो मैं अभी मार्क कर रहा हूं रिंग से, ये वाला रीजन, एंड जीरो पे भी ओपन, बिकॉज जीरो पे दोनों बराबर हो जाएंगे, बराबर हो गए तो डिनोमिनेटर जीरो हो जाएगा, विच इज अनडिफाइंड। तो क्या आएगा मेरा, माइनस इन्फिनिटी से जीरो ओपन, आंसर इज माइनस इन्फिनिटी से जीरो ओपन, दिस इज डोमेन फॉर दिस फंक्शन। क्लियर है? अच्छा, जैसे अगर मान लो मैं एक एग्जांपल और लिखता हूँ सेम कैटेगरी पे, अब विदाउट पेन एंड पेपर जस्ट थिंक इट, क्या होगा आंसर, मैं लिखा मॉड एक्स माइनस एक्स। ठीक है, आप सुनना मेरा, मॉड एक्स माइनस एक्स, अब मुझे इसको मतलब इसके अंदर क्या डिफाइन होने के लिए क्या होना चाहिए, अंडर रूट के अंदर जो क्वांटिटी है वो ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होना चाहिए। तो इसको अब मुझे पता है कि मॉड एक्स का ग्राफ जो है वो दिख रहा है हमेशा ऊपर आता है, ऊपर होता है या बराबर होता है, नीचे तो नहीं जाता है। तो मॉड एक्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू एक्स, हेंस द डोमेन इज आर। तो डायरेक्टली बोल सकता हूं इसका डोमेन क्या होगा, आर। क्लियर हुआ बच्चों, कैसे मैंने लिखा आर? ठीक है ना, चलो अब मैं रब कर देता हूँ, कुछ और क्वेश्चन देखते हैं हम। देखना, मैंने लिखा वन अपॉन एफ एक्स इज इक्वल टू वन अपॉन ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स माइनस थ्री, या फिर चलो थ्री माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स, वन एंड द सेम थिंग, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो मैंने बोला इसका डोमेन निकालो, तो वन अपॉन एफ एक्स टाइप का है, तो एफ एक्स डिफाइन तो हमेशा है, थ्री माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स इज डिफाइन फॉर ऑल एक्स, बट ये क्या होना चाहिए, जीरो नहीं होना चाहिए, तो जीरो नहीं होना चाहिए। तो मैंने क्या लिखा, थ्री माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स शुड नॉट बी इक्वल टू जीरो। तो इसका क्या है, इससे हमारा ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स शुड नॉट बी इक्वल टू थ्री। अब किन नंबर्स का ग्रेटेस्ट इंटीजर थ्री आएगा, थ्री क्लोज से फोर ओपन के लिए, क्योंकि थ्री क्लोज से फोर ओपन जो भी नंबर्स होंगे उनका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा, थ्री के बराबर होगा। तो इधर से क्या है मेरा, एक्स शुड नॉट बी इक्वल टू थ्री क्लोज से फोर ओपन, बिकॉज इन नंबर्स का ग्रेटेस्ट इंटीजर लेने पे थ्री आएगा। तो मैं क्या करूं, मुझे क्या चाहिए, ये नंबर्स नहीं चाहिए, तो आर माइनस क्लोज इंटरवल थ्री टू फोर ओपन, एक्सेप्ट थ्री क्लोज से फोर ओपन, मैं सभी नंबर्स इसमें रख सकता हूं, क्योंकि अगर ये रखा तो क्या हो जाएगा, उन सब का ग्रेटेस्ट इंटीजर थ्री आएगा, और थ्री माइनस थ्री जीरो हो जाएगा, डिनोमिनेटर जीरो हो गया, मतलब अनडिफाइंड हो गया हमारा एक्सप्रेशन। क्लियर है बच्चों? चलो अब मैंने एक और ले लेते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर का, मैंने लिखा वन अपॉन टू टाइम्स फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स प्लस वन, सॉरी फ्रैक्शनल पार्ट नहीं, ग्रेटेस्ट इंटीजर ही लेते हैं हम। ठीक है, तो ये वीडियो पॉज करके एक बार उसे ट्राई करो, सेम चीज है, डिनोमिनेटर में एफ एक्स लिखा है, तो एफ एक्स क्या चाहिए हमें, नॉट इक्वल टू जीरो करना है, मैंने कहा वो हटा देंगे जब जी जीरो हो रहा है, तो एक बार देख लेते कब जीरो हो रहा है। तो मैंने इसको जीरो के इक्वेट किया, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स प्लस वन, ये हमारा जीरो नहीं होना चाहिए, ये हमारा जीरो नहीं होना चाहिए। इसको फर्दर देखा हमने क्या आ रहा है, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स शुड नॉट बी इक्वल टू, ये वन उधर गया माइनस वन, और ये टू इसके नीचे गया, तो माइनस वन बाई टू। अच्छा, अब हमने देखा ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स माइनस टू होता है क्या, कभी माइनस हाफ होता है क्या, कभी नहीं होता। ये जो है ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स नॉट इक्वल टू माइनस, दिस इज ऑलवेज ट्रू,
ये तो कुछ x कुछ भी रखो, जो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x है वो तो इंटीजर आएगा, माइनस हाफ के बराबर तो कभी होगा ही नहीं। Hence, इसका डोमेन क्या हो जाएगा? ऑल रियल वैल्यूज, मैं कुछ भी रख सकता हूं इसमें। दिस कैन डिनोमिनेटर कभी जीरो होगा ही नहीं, वो हमने देख लिया, क्योंकि डिनोमिनेटर जीरो होने के लिए ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x को माइनस हाफ होना पड़ेगा, और ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x माइनस हाफ तो कभी होता ही नहीं है, बिकॉज इट इज इंटीजर। क्लियर है? चलो तो एक और लिख लेते हैं हम, वन अपॉन ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 2x प्लस 1। चलो इसका निकालो। अब मैंने क्या किया, 2 को अंदर लेके गया, ठीक है ना। अच्छा, अब इस 2 को बाहर नहीं लेके आ सकते, प्रॉपर्टी में मैंने बताया था वो एडिशन होता था तब हम इंटीजर को बाहर लेते थे, बट प्रोडक्ट में हम नहीं लेते हैं, ठीक है। तो करें कैसे, करेंगे हम ऐसे ही जैसे अभी इसको किए। तो देखना, मैं लिख रहा हूं, मैंने लिखा जो डिनोमिनेटर है विच इज ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 2x प्लस 1, दिस शुड बी नॉट बी इक्वल्स टू 0। अच्छा, तो ये आया हमारा ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 2x शुड नॉट बी इक्वल्स टू माइनस 1। अब सुनो, ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर जो भी लिखा है, व्हाटएवर इज रिटर्न, लेट्स से एक नंबर तो लिखा है, उसने बोला उस नंबर का ग्रेटेस्ट इंटीजर माइनस 1 के बराबर नहीं होना चाहिए, तो वो नंबर क्या नहीं होना चाहिए, किन नंबर्स का ग्रेटेस्ट इंटीजर माइनस 1 आता है? माइनस 1 क्लोज से 0 ओपन, माइनस 1 क्लोज से 0 ओपन, जितने भी नंबर्स हैं उन सभी का ग्रेटेस्ट इंटीजर माइनस 1 आता है। तो जो भी नंबर लिखा है दैट शुड नॉट, मैं क्या लिख रहा हूं, जो अंदर नंबर लिखा है विच इज 2x, दैट शुड नॉट बिलोंग्स टू क्या, माइनस 1 क्लोज से 0 ओपन, माइनस 1 क्लोज से 0 ओपन। समझ में आया क्यों लिख रहा हूं मैं? बिकॉज इन नंबर्स के बीच में अगर 2x लाई करेगा तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर माइनस 1 हो जाएगा। तो जो हमारा अंदर ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर जो भी लिखा हुआ है, व्हाटएवर x लिखा तो x मानते, 2x लिखा तो 2x लिख दिया, दैट 2x शुड नॉट बिलोंग्स टू माइनस 1 क्लोज से 0 ओपन। बिकॉज अगर ये 2x माइनस 1 क्लोज से 0 ओपन के बीच में आ गया तब हमारा क्या होगा, प्रॉब्लम क्या हो जाएगी, उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या हो जाएगा, माइनस 1 हो जाएगा। तो वो तो नहीं चाहिए ना, बिकॉज उसका माइनस 1 हो गया तो हमारा डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा। तो ओवरऑल इससे क्या मिला, x शुड नॉट बिलोंग्स टू 2, मैं इसके अंदर लेके गया तो माइनस हाफ कॉमा 0, दिस इज डोमेन 2x। हमें डोमेन क्या बोलते हैं, x की वैल्यूज ना, 2x की वैल्यूज नहीं बोलते डोमेन, डोमेन इज x की वैल्यूज जिसके लिए एक्सप्रेशन डिफाइन हो। अच्छा, ये नॉट बिलोंग्स टू है ना, सॉरी सॉरी, आंसर ये नहीं होगा हमारा, ये तो होगा x डज नॉट बिलोंग्स टू लिखा है, डज नॉट बिलोंग्स टू माइनस हाफ से 0। तो अब मैं क्या लिखूंगा, आंसर इज एक्सेप्ट दिस, all other values we can put, all other real values we can put, matlab all other values are domain except this. To kya likhunga, domain is r minus minus half se 0, theek hai, clear hai bachcho? Chalo ab ek example aur dekh lete hain hum, to video pause karo, tum log copy karo, main isko rub kar deta hu। देख रहा, एक बहुत ही, चलो उसको मैं बाद में लेता हूँ, पहले एक इनवर्स रिलेटेड इक्वेशन ले लेता हूँ, कॉस इनवर्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, दिस इज माय एफ एक्स, वी हैव टू फाइंड डोमेन। तो वीडियो पॉज करो, एक बार खुद से ट्राई करो, ठीक है, मैं इसको सॉल्व करता हूँ। तो कल के लेक्चर में हमने देखा था क्या, कि कॉस इनवर्स एफ एक्स जो होना चाहिए उसको डिफाइन होने के लिए जो कॉस इनवर्स का आर्ग्यूमेंट है एफ एक्स, दैट शुड लाई बिटवीन माइनस 1 टू 1, तो वही लिख देते हैं। इसका आर्ग्यूमेंट क्या है इधर हमारा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, दिस शुड लाई बिटवीन माइनस 1 एंड 1, मतलब इट शुड बी लेस देन इक्वल्स टू 1, एंड एट द सेम टाइम, मतलब इंटरसेक्शन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, इट शुड बी ग्रेटर देन माइनस 1। क्लियर हुआ? इंटरसेक्शन क्यों लिया, क्योंकि आर्ग्यूमेंट माइनस 1 और 1 के बीच में होना चाहिए, तो दोनों वो दैट इज इक्विवेलेंट टू 2 इनइक्वालिटीज, और उन दोनों इनइक्वालिटीज का इंटरसेक्शन कल के लेक्चर में ही बताया था ये चीज। तो इसको सॉल्व करते हैं, तो इधर से ये 1 से 1 कैंसिल, x * x + 1 लेस देन इक्वल्स टू 0, तो ये हो गया माइनस 1 0, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव लेस देन इक्वल्स टू चाहिए, तो ये हो गया हमारा आंसर इस इनइक्वालिटी का रिस्पॉन्स। अब इसको देख लेते हैं, तो ये आया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2 ग्रेटर देन 0। अब देखो इसका डी, देखो डिस्क्रिमिनेंट, इसका जो डिस्क्रिमिनेंट है विच इज 1 माइनस 8 विच इज माइनस 7 नेगेटिव है, तो डी नेगेटिव है, ए पॉजिटिव है, तो ये जो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन होगा, जो क्वाड्रेटिक होगा, ये पैराबोला जो होगा, इट इज अबव एक्स एक्सिस, तो ये तो हमेशा पॉजिटिव होगा फॉर ऑल एक्स, और मुझे सॉल्व क्या करना है, दिस इज पॉजिटिव, तो दिस इज पॉजिटिव फॉर ऑल एक्स, हेंस द डोमेन इज आर। अब इसका डोमेन आर आ रहा है, इसका माइनस 1 टू 0 आ रहा है, इन दोनों का क्या लेना है मुझे, इंटरसेक्शन, हेंस द फाइनल आंसर इज दिस ओनली, बिकॉज इसका इंटरसेक्शन ऑल रियल वैल्यूज के साथ लोगे तो यही आएगा हमारा,
हैज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज -1 to 0, डोमेन इज -1 to 0, क्लियर हो बच्चों? चलो तो एक और क्वेश्चन लिख लेते हैं। अब मैं जो क्वेश्चन लिख रहा हूँ ना वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत मतलब बहुत, ठीक है, मतलब इस चीज का यूज आगे जाके इनवर्स में भी देखेंगे हम, और बहुत फ्रिक्वेंटली आता है वो हमारा फंक्शंस में, पूरे कैलकुलस में, ठीक है ना, बहुत फ्रिक्वेंटली आता है, तो हम उसका डोमेन याद भी रखेंगे, और पहले तुम लोग एक बार खुद से ट्राई करना, ठीक है ना, और उसको मैं एक डिफरेंट मेथड से बताऊंगा मैं, दिस इज फ्रिक्वेंटली, इसको मार्क कर लेना, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है ना, डोमेन पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं बोल रहा हूं इंपॉर्टेंट, आगे इसका हम फर्दर एनालिसिस करेंगे, ग्राफ वगैरह बनाएंगे, और भी जगह काम आएगा, इंटीग्रेशन वगैरह में बहुत जगह काम आने वाला है, स्पेशली दिस फंक्शन, ठीक है ना, तो राइट डाउन हियर, वेरी फ्रिक्वेंटली अकरिंग फंक्शन, ठीक है, तो ये हो गया 2x/1 + x², सबसे ज्यादा हम इसको देखेंगे इनवर्स में, ठीक है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री पढ़ेंगे तब इसका हम ग्राफ वगैरह भी बनाएंगे, ठीक है, चलो तो ये हो गया साइन इनवर्स 2x/1 + x², मुझे अभी के लिए तो इसका डोमेन का काम करना है, डोमेन पे, विच इज इजी पार्ट, ठीक है ना, ऑफ कोर्स इजी, बट हम उसको याद भी रखेंगे, फाइनल जो डोमेन आने वाला है, तो एक बार वीडियो पॉज करके एक बार तुम लोग खुद से ट्राई करो, ठीक है ना, तो मैं स्टार्ट करता हूँ, जैसा कि बताया था साइन इनवर्स और कॉस इनवर्स एफ एक्स में क्या होता है, जो उसका आर्ग्यूमेंट होता है दैट शुड लाई बिटवीन -1 to 1, तो इधर भी हम वही करेंगे, क्या लिखेंगे हम 2x/1 + x², दिस शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू -1, एंड एट द सेम टाइम इसका मतलब क्या है, इंटरसेक्शन, जो उसका आर्ग्यूमेंट है 2x/1 + x², दिस शुड बी लेस देन इक्वल्स टू 1, ये भी ट्रू होना चाहिए एंड ये भी ट्रू होना चाहिए, इसका मतलब हम इंटरसेक्शन लेंगे, तो पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो इसको -1 को इधर लेके आए 2x, हालांकि 1 + x² को भी उधर डायरेक्टली लेके जा सकता हूं मैं, बिकॉज 1 + x² इज अ पॉजिटिव नंबर, हम ऐसे बोल सकते हैं 1 + x² को उस साइड मल्टीप्लाई किया दोनों साइड, बट ठीक है मैं -1 को इधर लेके आ रहा हूँ, 1 + x² + 1 शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, तो एलसीएम लिया तो 1 + x² + 2x, तो परफेक्ट स्क्वायर बनेगा न्यूमरेटर में 1 + x² / 1 + x² ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, अब क्या होगा, देखो डिनोमिनेटर नॉन नेगेटिव है, ऊपर भी नॉन नेगेटिव नंबर है, तो ये दोनों, और डिनोमिनेटर जीरो तो होगा नहीं किसी एक्स के लिए, तो इसका डोमेन कितना आ गया, इसका डोमेन अगर मैं बात करूं आर, एक्स कुछ भी रखो ऊपर वाला ही पॉजिटिव है, नीचे वाला ही पॉजिटिव है, मतलब ऊपर वाला जीरो के बराबर भी हो जाएगा एक्स इज इक्वल टू -1 पे, बट डिनोमिनेटर हमेशा ही पॉजिटिव है, तो ओवरऑल फंक्शन इसकी जो वैल्यू आएगी दिस इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, वही तो मुझे सॉल्व करना है कि ये जो वैल्यू है वो किन एक्स के लिए ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 आ रही है, हैज द आंसर इज आर, क्लियर हो बच्चों? सेम अब ऐसा है इधर भी है, इधर क्या हो जाएगा देखना 2x/1 + x² - 1 < 0, तो इधर से आया हमारा माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया एक बार, तो ये हो गया 1 - 2x/1 + x² > 0, माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होता है साइन ऑफ इनइक्वालिटी विल चेंज, तो इधर से आ जाएगा 1 - 2x/1 + x² > 0, तो अब ये परफेक्ट स्क्वायर किसका बना, इधर 1 + x का बना था, इधर क्या बना हमारा 1 - x का, तो ये हो गया 1 - x का स्क्वायर अपॉन 1 + x² > 0, क्लियर है? अब अगेन डिनोमिनेटर तो हमेशा पॉजिटिव है, ऊपर वाला क्या है ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, तो ओवरऑल जो हमारा फंक्शन एक्सप्रेशन लिखा है लेफ्ट हैंड साइड पे दैट इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, तो हमें वही तो सॉल्व करना है कि वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 किस x के लिए, इट इज ट्रू फॉर ऑल x, तो इसका भी डोमेन क्या आ गया r, अब इन दोनों का हमें क्या लेना है इंटरसेक्शन, तो r का इंटरसेक्शन r के साथ क्या आएगा r ही आएगा, hence the overall domain of this function is r, तो बहुत सिंपलीफाइड चीज आई है, इसको अब हमेशा याद भी रखेंगे, ठीक है, तो वीडियो पॉज करो, इसको कॉपी करो, इसी को मैं एक दूसरे अप्रोच से डिस्कस करता हूँ, विच इज ऑफकोर्स द शॉर्टर वन, ठीक है, थोड़ा ट्रिकी पार्ट है, अगर बहुतों को क्लिक कर रहा है जस्ट थिंक इट, हमने बेसिक मैथ्स में थोड़ा सा सीखा था उसके बारे में, उसका ग्राफ भी बनाया था, एक चीज थी, ठीक है ना, जस्ट थिंक इट, उस टाइप का एक्सप्रेशन इधर तुम्हें दिख रहा है क्या, ठीक है, मैं इसको डिस्कस करता हूँ, तो दिस इज मेथड टू, तो मैंने क्या लिखा, देखो इधर साइन इनवर्स लिखा है, अब देखना इसको क्या किया मैंने, मैंने ऊपर और नीचे इसके आर्ग्यूमेंट के अंदर एक्स से डिवाइड कर दिया, जब मैं किसी नंबर एक्स से डिवाइड कर रहा हूं तो आई शुड मेक श्योर कि वो जीरो नहीं होना चाहिए, तो मैं दो केसेस बना रहा हूं, क्या बना रहा हूं, एक्स एक्स नॉट इक्वल टू जीरो और एक्स इक्वल टू जीरो, ठीक है, मैंने बोला अगर एक्स जीरो नहीं है तो मैंने क्या किया, टू के साथ जो एक्स लिखा है वो इसके नीचे भेज दिया, तो दिस कैन बी रिटर्न एज 2/(x + 1/x), ये हो गया 1/x और ये x, अच्छा ये कब लिख रहा हूं मैं x नॉट इक्वल टू जीरो,
तो x नॉट इक्वल टू जीरो के लिए अब हम देख रहे हैं डोमेन क्या है, फिर x इज इक्वल टू जीरो के लिए अलग से देख लेंगे। तो अब देखो, ध्यान से देखो ये क्या लिखा है, बहुत ही इंटरेस्टिंग नंबर लिखा है, नंबर एंड इट्स रेसिप्रोकल उनका सम। तो हमें पता है ये जो क्वांटिटी है, ये जो क्वांटिटी है हमेशा 2 से बड़ी होती है फॉर x पॉजिटिव, और ये हमेशा लेस देन होती है, लेस देन इक्वल्स टू माइनस 2 होती है, माइनस 2 होती है फॉर x नेगेटिव। तो अब सुनो, ये 2 के नीचे जो लिखा है, ये जो नंबर ओवर 2 के जो नीचे लिखा है वो क्या है, 2 से बड़ा है, 2 या 2 से बड़ा है, या फिर माइनस 2 और माइनस 2 से छोटा है। तो ओवरऑल जो ब्रैकेट में लिखा है ये जो क्वांटिटी है, दिस इज लेस देन इक्वल्स टू 1 ग्रेटर देन इक्वल्स टू माइनस 1, सॉरी एक मिनट, हाँ क्योंकि फ्रैक्शन में लिखा है ना, क्या लिखा है तो दोबारा बताता हूँ। मैंने 2 को मैं किस नंबर से डिवाइड कर रहा हूँ, 2 से बड़े नंबर से, तो ओवरऑल क्या बनेगा, ये पॉजिटिव फ्रैक्शन बनेगा। फिर मैंने बोला माइनस 2 से छोटा, मतलब माइनस 3 माइनस 4 माइनस 5, अगर 2 को माइनस 2 माइनस 3 माइनस 4 उन सब छोटे नंबर से डिवाइड करूंगा तो ओवरऑल ये एक नेगेटिव फ्रैक्शन बनेगा। तो ओवरऑल तुम देख रहे हो कि जो साइन इनवर्स का जो ओवरऑल आर्ग्यूमेंट है, दैट इज ऑलवेज लाइंग बिटवीन माइनस 1 टू 1, एक्स में कुछ भी रखूं, हैज द डोमेन इज आर, बट अभी मैं इसको आर नहीं बोलूंगा बिकॉज मैंने 0 नहीं रखा है, क्योंकि 0 मैं नहीं रख सकता बिकॉज मैंने 0 से डिवाइड किया था, तो आर माइनस 0 आया। मैं 0 क्यों लिखा, मैं 0 में अभी नहीं लिख रहा हूं, अभी आएगा उस पे आते हैं हम, बट अभी अभी के लिए मैं कह लूंगा आर माइनस 0, मैं एक्स ये कुछ भी रख सकता हूँ, 0 नहीं रख सकता बिकॉज ये जो एक्सप्रेशन इसको मैंने इधर इधर लिखा विद द कंडीशन कि x नॉट इक्वल टू 0। अब मैं बोल रहा हूँ x इज इक्वल टू 0 अलग से डाल के देख लिया कि 0 सेटिस्फाई कर रहा है क्या, तो साइन इनवर्स 0 अपॉन 1 प्लस 0 साइन इनवर्स 0, तो 0 सेटिस्फाई कर रहा है, तो ये भी हमारा आंसर है और ये भी हमारा आंसर है, तो इन दोनों का यूनियन क्या होगा, ओवरऑल आर। क्लियर हुआ क्या बोला मैंने, इन दोनों का यूनियन इज आर। देखो क्या किया था, जब भी हम कैसे, जैसे मान लो मैंने ऐसे लिखा है एक्स लिखा है, ऐसे लिखा है ठीक है ना, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स, तो मैं इसको एस इसको दिस इज नॉट इक्विवेलेंट टू 1/1 x, ठीक है ना, हम इसको डिनोमिनेटर में नहीं लेके जा सकते, इसके कब लेके जा सकते, ऐसे कब लिख सकता हूं, देखो ये तो हमेशा डिफाइन है y इज इक्वल टू, बट क्या ये हमेशा डिफाइन नहीं, 0 पे डिफाइन नहीं, 1/0 इंफिनिटी, 1/∞ अगेन 0, वो तो गलत है ना, इंफिनिटी तो कोई होता ही नहीं है। तो इसीलिए मैंने क्या बोला, जब मैं x को इधर लेके गया, आगे भी यूज रखना इसका, याद रखना ठीक है ना, कि हम ये जो एक्सप्रेशन है और ये जो एक्सप्रेशन है, दीज टू आर नॉट इक्विवेलेंट, मतलब ये जो फंक्शन है ओवरऑल 2x/1 x2, दिस इज नॉट इक्वल टू 2/x/1 x, इन जनरल ये दोनों बराबर नहीं बोलेंगे हम, बिकॉज देखो x आएंगे सेम ऑलमोस्ट, एक ही पॉइंट पे डिफरेंस होगा, दैट इज 0 पे, इधर 0 पे कर्व ओपन आएगा सर्कल, इधर 0 पे क्लोज आएगा, 0 पे ये फंक्शन 0 है बट 0 पे ये अनडिफाइंड है। क्लियर हो बच्चों, ठीक है, अब हम इसके, तुम लोग कॉपी कर लो, इसके बाद हम कुछ और क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, तो वीडियो पॉज करके एक बार तुम लोग ट्राई करो, ठीक है, चलो तो क्या करें, इसमें दो फंक्शन है fx/gx, तो क्या होता है, हम fx का डोमेन निकालेंगे, gx का निकालेंगे, और उन दोनों का डोमेन का इंटरसेक्शन इज माय आंसर, और प्लस जो हमारा डिनोमिनेटर फंक्शन है वो 0 भी नहीं होना चाहिए, जिन x पे वो 0 होगा उन x को हम डोमेन में से हटा देंगे, जो हमारा डोमेन आएगा इससे पहले। तो स्टार्ट करते हैं, तो पहला क्या है, साइन इनवर्स 3x, तो जो इसका आर्ग्यूमेंट है 3 x, दैट शुड बी लेस देन इक्वल्स टू 1, एंड एट द सेम टाइम जो इसका आर्ग्यूमेंट है 3 x, दिस शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू माइनस 1, मतलब माइनस 1 और 1 के बीच में आना चाहिए इसका आर्ग्यूमेंट। तो इधर से क्या आया मेरा, x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3 x, व्हिच इज 2, और इंटरसेक्शन इधर से आया x लेस देन इक्वल्स टू 4, तो इन दोनों का इंटरसेक्शन क्या हो गया हमारा, 2 क्लोज से 4 क्लोज, दिस इज माय इंटरसेक्शन पार्ट, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 लेस देन इक्वल, तो ये तो अभी मेरा किसका आया, न्यूमरेटर पार्ट का डोमेन। अब मैं डिनोमिनेटर पे डील करूंगा, तो डिनोमिनेटर में ln लिखा है, तो देखो एक तो क्या चीज ये 0 नहीं होना चाहिए, तो पहले हम ये देख लेते हैं कि डिनोमिनेटर 0 कब हो रहा है, तो डिनोमिनेटर 0 कब होगा, जब ln का आर्ग्यूमेंट है वो 1 होगा, तो मैंने क्या लिखा, मॉड x माइनस 2 शुड नॉट बी इक्वल्स टू 1, तो इधर से आया मॉड x शुड नॉट बी इक्वल्स टू 3, इसका मतलब x शुड नॉट बी इक्वल्स टू प्लस माइनस 3, तो अभी हमारा इधर आ रहा था क्या, माइनस 3 तो नहीं आ रहा था, 3 आ रहा था तो उसको तो रिमूव कर देंगे हम, बट अभी मेरे को एक और चीज क्या करना है कि डिनोमिनेटर डिफाइन होना चाहिए, अभी तो मैंने क्या लिखा डिनोमिनेटर, दिस इज द फर्स्ट कंडीशन, सेकंड अब ये तो क्या लिखा, डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए, 0 कब हो रहा है, जब ln का आर्गुमेंट 1 हो रहा है। अब मैं लिख रहा हूं कि डिनोमिनेटर डिफाइन के लिए, तो डिफाइन के लिए मैं क्या लिखूंगा, देखना जो मॉड x माइनस 2 है दैट शुड बी ग्रेटर देन 0, ln का आर्गुमेंट ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, इधर मैंने लिखी नॉट इक्वल टू 1,
ठीक है। तो इधर से क्या आया मेरा, मॉड एक्स शुड बी ग्रेटर देन टू। तो मॉड एक्स ग्रेटर देन टू कब होता है हमारा, जब एक्स मेरा क्या हो, माइनस टू के लेफ्ट में हो और टू के राइट में हो। तो इस ये इसका इंटरसेक्शन इसके साथ लेना है, प्लस थ्री मेरे को रिमूव करना है। तो टू से फोर है, ये टू से फोर, टू पे क्लोज लिखा है इधर और फोर पे क्लोज लिखा है, टू पे फोर, और इसमें से मैंने थ्री हटा दिया बिकॉज थ्री पे क्या हो रहा है, एल एन का आर्ग्यूमेंट वन हो रहा है एंड एल एन वन जीरो हो रहा है, डिनोमिनेटर जीरो हो जाएगा, तो इसमें से मैंने थ्री हटा दिया। तो फाइनली इन दोनों का इंटरसेक्शन क्या आएगा, देखना क्या लिख रहा हूं मैं, टू ओपन से थ्री ओपन यूनियन थ्री ओपन से फोर ओपन, या फिर इसको मैं एक ही सेट में ऐसे लिख सकता हूँ, टू से फोर और फिर अलग से मैंने माइनस कर दिया थ्री। बोथ आर करेक्ट, दिस और दिस, क्लियर हुआ। सिंपल सा क्वेश्चन है, एफ एक्स अपॉन जी एक्स, एफ एक्स इनवर्स वाला इन्वॉल्व था, जी एक्स में एल एन था, याद क्या रखना, ये वाला चीज बच्चे जनरली गलती कर सकते हैं, ठीक है ना। एल एन का जो आर्ग्यूमेंट है दैट शुड नॉट बी इक्वल्स टू वन, इसी में मिस्टेक होता है, बाकी न्यूमरेटर में कोई दिक्कत नहीं, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है, और डिनोमिनेटर में भी जो डिनोमिनेटर है वो एल एन का जो आर्ग्यूमेंट है ग्रेटर देन जीरो है, वो भी आसान है। गलती कहाँ होती है बच्चों से, एल एन का जो आर्ग्यूमेंट है दैट शुड नॉट बी इक्वल्स टू वन, वो वन जिन एक्स के लिए हो रहा है उसको मैं रिमूव करूंगा, जो हो रहा था थ्री, थ्री को रिमूव कर दिया, क्लियर है। चलो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, मैं इसको रब कर देता हूं, आज कुछ होमवर्क क्वेश्चंस भी देने वाला हूं मैं, ठीक है। डोमेन के अच्छे से प्रैक्टिस करो, एक बार डोमेन में अच्छे से कॉन्फिडेंस आया फिर रेंज में दिक्कत नहीं आई, बिकॉज अगर डोमेन में ही तो मैंने प्रैक्टिस नहीं की तो फिर रेंज वगैरह में और दिक्कत आई, क्योंकि रेंज इससे हार्ड है, डेफिनेटली इससे हार्ड है, ठीक है। तो मैं कुछ क्वेश्चंस लिख लेता हूं, ठीक है। तो मेरा एक नेक्स्ट क्वेश्चन है, एफ एक्स इज इक्वल टू एल एन ऑफ, धीरे धीरे लेवल बढ़ाएंगे हम, ठीक है, प्लस थ्री टू द बेस टू अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस टू, मैंने कहा इसका डोमेन निकालना है। तो अगेन एफ एक्स अपॉन जी एक्स है, तो एफ एक्स भी डिफाइन होना चाहिए, जी एक्स भी डिफाइन होना चाहिए, प्लस जी एक्स जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। तो देखो जी एक्स तो हमेशा डिफाइन होगा डिनोमिनेटर में, क्योंकि डिनोमिनेटर में तो पॉलिनोमियल लिखा है, पॉलिनोमियल फंक्शन का तो डोमेन आर होता है, बस ये जीरो नहीं होना चाहिए। तो ये देख लेते हैं इसके ये क्वाड्रेटिक का रूट्स क्या है, ये जीरो कब हो रहा है। तो एक तो ऑब्जर्वेशन से पता चल जाएगा कि इसके रूट्स जो हैं वो सम ऑफ द रूट इज थ्री, प्रोडक्ट इज टू, तो रूट्स आर वन कॉमा टू, तो मतलब एक्स वन और टू नहीं डाल सकते डिनोमिनेटर में, एक्सेप्ट वन एंड टू, इट इज डिफाइंड फॉर ऑल एक्स, केवल डिनोमिनेटर बोल रहा हूं मैं अभी, ठीक है। अब न्यूमिनेटर पे आते हैं, अब मैंने बोला न्यूमिनेटर में एल एन लिखा है, तो इधर दो बातों का ध्यान रखेंगे, एक्चुअली तीन बातों का रखेंगे, बट बेस हेयर इज कॉन्स्टेंट तो बेस को हटा दिया, क्या रखेंगे कि एक तो अच्छा ये एल एन न्यूमिनेटर में, तो एक ही चीज रखेंगे अभी याद, एट प्रेजेंट इसका आर्ग्यूमेंट जो है दैट शुड बी ग्रेटर देन जीरो। तो क्या आएगा, x माइनस थ्री शुड बी ग्रेटर देन जीरो, सॉरी x प्लस थ्री लिखा है, आर्ग्यूमेंट शुड बी ग्रेटर देन जीरो, जीरो भी नहीं होना चाहिए, इट शुड बी ग्रेटर देन जीरो, तरह से क्या है x ग्रेटर देन माइनस थ्री, x ग्रेटर देन माइनस थ्री, एल एन का आर्ग्यूमेंट वन हो सकता है, हाँ हो सकता है, न्यूमरेटर में लिखा है एल एन वन जीरो हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, बट वन इसके हाँ ठीक है। तो ओवरऑल डोमेन क्या हो गया मेरा, x ग्रेटर देन माइनस थ्री, उसमें से वन और टू हटाना है मुझे। तो देखना मैं क्या लिख रहा हूँ, माइनस थ्री से बड़ा, माइनस थ्री पे ओपन, और वन और टू नहीं होना चाहिए, तो वन भी इधर ही आएगा टू भी इधर ही आएगा। तो या तो तरीका, बेस्ट तरीका क्या है, ऐसे लिख दो माइनस थ्री से इन्फिनिटी माइनस कर्ली ब्रैकेट वन कॉमा टू, या फिर सब्ट्रैक्ट करके नहीं लिखना चाह रहे तो ऐसे लिखो माइनस थ्री से वन यूनियन वन से टू यूनियन टू से इन्फिनिटी, बोथ आर करेक्ट, दिस और दिस, क्लियर हुआ। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, ठीक है। चलो अब मैं इसको रब कर देता हूँ, अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करता हूँ। देखना ये एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ये भी ये एक बार खुद से ट्राई करो, ठीक है। एफ एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स का स्क्वायर, ठीक है, जस्ट ट्राई ऑन योर ओन दिस वंस, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। चलो अब हम इसको देखते हैं, तो एफ एक्स क्या लिखा है, रूट ऑफ समथिंग, तो क्या होना चाहिए, जो रूट के अंदर क्वांटिटी दैट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो। तो इधर से मेरा आया एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल्स टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स का स्क्वायर, ठीक है। चलो अब सुनना, अब क्या है, इसको हम कैसे ट्राई करें, वो चीज है इसको ट्राई करने के लिए। देखो
हम अलग अलग डोमेन के लिए एनालिसिस कर सकते हैं, मतलब हम डोमेन को ब्रेक करेंगे कैसे। जैसे मैंने लिखा एक्स ग्रेटर देन जीरो है, एक्स अगर ग्रेटर देन जीरो है मतलब एक्स अगर चलो ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है तो देखना क्या होगा मेरा, इसको मैं ऐसे ब्रेक करके करना पड़ेगा या फिर तुम और छोटे डोमेन में ब्रेक कर सकते हो जैसे जीरो से वन, वन से टू, टू से थ्री, और एक पैटर्न बन जाएगा, देन यू रियलाइज क्या इसका डोमेन क्या आ रहा है। बट मैंने क्या किया, एक साथ ही ले रहा हूँ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो के लिए, क्या होगा जो मेरा एक्स स्क्वायर है वो हमेशा इससे बड़ा आएगा, क्योंकि जो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स है फॉर पॉजिटिव वैल्यू ऑफ एक्स हमेशा नीचे या बराबर आता है। मैंने बोला फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स का जो ग्राफ होता है इट इज समथिंग लाइक दिस, ठीक है, और जो मेरा वाई इज इक्वल टू एक्स का ग्राफ होता है वो मेरा ऐसा होता है, देखो दिस इज जीरो, दिस इज वन, दिस इज टू, दिस इज थ्री एंड सो ऑन, दिस इज माई ग्राफ ऑफ जो ब्लू वाला है, दिस इज वाई इज इक्वल टू एक्स, और जो ये स्फीयर केस है दिस इज बेसिकली ग्रेटेस्ट इंटीजर टाइप। तो ये कैन सी कि जो ग्राफ है वाई इज इक्वल टू एक्स वाला, अभी मैं एक्स की बात कर रहा हूँ, दैट इज ऑलवेज ग्रेटर देन, दैट इज ऑलवेज ग्रेटर देन हमारा ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स। और पॉजिटिव नंबर्स का अगर मान लो मैंने बोला कि एक्स इज ग्रेटर देन वाई और एक्स और वाई दोनों पॉजिटिव है, तो ऑफकोर्स एक्स स्क्वायर भी वाई स्क्वायर से बड़ा होगा। क्या लिखा मैंने, मैंने लिखा इफ एक्स कॉमा वाई ग्रेटर देन जीरो है, अगर एक्स और वाई पॉजिटिव नंबर है, केवल पॉजिटिव के लिए अभी मैं कमेंट कर रहा हूँ, ठीक है ना। ये वाला पार्ट मैंने बेसिक मैथमेटिक्स में भी लिया था, ये मैं दोबारा देखो रिकॉल करूँ, दो नंबर है अगर पॉजिटिव है और अगर मुझे दिया है कि एक्स कॉमा वाई ग्रेटर देन जीरो, मुझे दिया है कि इफ एक्स इज ग्रेटर देन वाई, दिस इंप्लाइज एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन वाई स्क्वायर, और अगर दोनों नंबर नेगेटिव होते हैं x कॉमा वाई लेस देन जीरो तब उल्टा होता है, तब क्या हो जाता है x अगर ग्रेटर देन y है तो मेरा x स्क्वायर लेस देन y स्क्वायर होता है। ये मैंने बेसिक मैथमेटिक्स में कवर किया था, तो एग्जांपल लेके भी देख लो, जैसे मैंने लिखा था 2 ग्रेटर देन 4, सॉरी 2 ग्रेटर देन 1, तो 4 ग्रेटर देन 1 आया, स्क्वायर करने पे भी सेम आया। बट अगर मान लो मैंने इधर लिखा -1 इज ग्रेटर देन -2, अब तुम स्क्वायर करो तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा, 4 ग्रेटर देन 1 आ जाएगा। तो दोनों नंबर पॉजिटिव है तो स्क्वायर करने पे इनइक्वालिटी का साइन सेम रहेगा, दोनों नंबर नेगेटिव है तो इनइक्वालिटी का साइन रिवर्स हो जाएगा। तो फॉर एक्स पॉजिटिव मैंने क्या बोला, दोबारा आप देखो, फॉर एक्स पॉजिटिव क्या हो रहा है, जो हमारा एक्स है वाई इक्वल टू एक्स दैट इज ऑलवेज या तो बराबर है या ऊपर है किसके, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स के, तो और पॉजिटिव है ये तो मुझे पता है एक्स ग्रेटर देन जीरो ले रहा हूं, hence x square is greater than equals to greatest integer of x square for all x greater than 0। अब नेगेटिव की बात कर लेते हैं, अब नेगेटिव की तो इस देखो पॉजिटिव के लिए तो मेरा डोमेन आ गया, चलो जीरो पे भी देख लिया, जीरो पे दोनों इक्वालिटी होल्ड कर रहा है तो मेरा एक डोमेन तो ये आ गया जीरो क्लोज से इंफिनिटी। अब मैं नेगेटिव की बात करता हूं, तो नेगेटिव के लिए क्या होगा ना, अब नेगेटिव के लिए क्या होगा कि जो मेरा ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x का ग्राफ है, अब देखना कैसे आने वाला है। अब क्या है कि दोनों नेगेटिव नंबर होंगे, अभी भी क्या रहेगा ये ग्राफ तो अभी भी ऊपर ही रहेगा, जैसे मैंने इसको लिखूंगा मैं, ये हो गया मेरा एंड सो ऑन, ठीक है, दिस इज ग्राफ, तो अभी भी मेरा y इक्वल टू x जो लाइन है वो ग्रेटेस्ट इंटीजर के बराबर है ऊपर है। बट अब क्या हो गया, अब हमारा नेगेटिव x के लिए जो नंबर्स है वो नेगेटिव आ रहे हैं, मतलब x इज नेगेटिव प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x इज नेगेटिव। अब दो नंबर नेगेटिव होते हैं तो मैंने क्या बोला, इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा, तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा इसका मतलब ये चीज बड़ी हो जाएगी इससे, तो x लेस देन 0 का कोई सॉल्यूशन नहीं आया। बट इंटीजर्स पे, नेगेटिव इंटीजर्स पे ये दोनों बराबर होंगे और मुझे बराबर वाले आंसर भी चाहिए, तो आंसर ओवरऑल मेरा आंसर क्या हो गया, कंक्लूजन क्या निकला, एक तो जीरो क्लोज से इंफिनिटी, यूनियन पॉजिटिव के लिए तो कोई भी रियल नंबर चलेगा, यूनियन नेगेटिव के लिए केवल इंटीजर्स चलेंगे, मतलब -1, -2, -3 एंड सो ऑन, डैट 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 डैश। क्लियर हुआ, दिस इज माय डोमेन। तो एक अच्छा क्वेश्चन है, मीन्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही अच्छा क्वेश्चन माना जाएगा ये, ठीक है, क्योंकि जनरली बच्चे लोग इसमें गलती कर सकते हैं इंटीजर्स में, नेगेटिव इंटीजर्स में, ठीक है ना। पॉजिटिव के लिए कोई भी ना रियल नंबर रखो, ग्रेटेस्ट एक्स स्क्वायर हमेशा ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स स्क्वायर के बराबर बड़ा आएगा, इंटीजर्स में बराबर होंगे, बाकी एक्सेप्ट इंटीजर्स दिस इज ऑलवेज ग्रेटर देन जीरो, इंटीजर्स चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो इक्वालिटी विल होल्ड। क्लियर है बच्चों, चलो तो वीडियो पॉज करो, इसको कॉपी करो, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करता हूँ।
अच्छा, एक नेक्स्ट क्वेश्चन से मूव करने के पहले एक चीज और बता देता हूँ डोमेन के रिस्पेक्ट में। हालांकि वो हमने पीएनसी में कवर किया है, बट उस टाइप के क्वेश्चंस को एक बार और रिकॉल करते हैं हम इधर, ठीक है। पीएनसी में किया है हमने, क्या लिखा था जैसे इधर लिख लो नोट करके, फॉर एनसीआर टू बी डिफाइंड क्या होना चाहिए, एक तो एन और जो आर है दोनों इंटीजर को बिलोंग करना चाहिए सबसे पहली बात, ठीक है। प्लस जो हमारा एन है दैट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू वन, आर शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो, प्लस जो ऊपर वाला सफिक्स है वो आर से हमेशा बड़ा होगा या बराबर होगा, छोटा नहीं हो सकता, मतलब एन इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू आर। ये तीन कंडीशंस का इंटरसेक्शन, मतलब ये भी चारों मान लो इंटीजर्स है हमारा, तो क्या बोलूंगा इन सभी कंडीशंस का इंटरसेक्शन इज माई फाइनल आंसर। वो एन और आर जो इसको सेटिस्फाई करेंगे वही हमारा डोमेन का काम करेंगे। जैसे मैंने एग्जाम्पल लिया, जैसे एक एग्जाम्पल कर लेते हैं, जैसे मैंने लिखा एक्स माइनस थ्री सी टेन माइनस एक्स, वो फाइंड डोमेन, ये एक फंक्शन हो गया एफ एक्स, इस खंड डोमेन निकालना है, ठीक है। ये क्वेश्चन हमने पीएनसी में भी किया था, अब रिकॉल करते हैं हम। तो क्या हो गया, पहले सबसे पहले एक्स माइनस थ्री ये एन का काम कर रहा है, तो इट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू वन, तो रहता है एक्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू फोर, पहली क्वेश्चन पहली कंडीशन। फिर आया बेस, दैट इज टेन माइनस एक्स शुड बी लेस देन सॉरी ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो, तो इधर से आया एक्स लेस देन इक्वल्स टू टेन। अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी एक चीज और इम्पोर्टेंट, वो ये है कि जो n है हमेशा r से बराबर या बड़ा होना चाहिए, तो n इधर इज x माइनस थ्री, दिस शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू टेन माइनस x, तो इधर से क्या आया मेरा 2x शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू टेन प्लस थ्री 13, तो इधर से आया x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 13 बाय 2 व्हिच इज 6.5। और प्लस क्या याद रखना है मुझे, n और r मेरे इंटीजर्स है, तो मतलब x माइनस थ्री और x टेन माइनस एक्स इंटीजर्स आना चाहिए। इसका मतलब जैसे ऐसे लिख लो, चलो x माइनस थ्री शुड बिलोंग्स टू इंटीजर, इसका मतलब x शुड ऑल्सो बिलोंग्स टू इंटीजर। सिमिलरली टेन माइनस एक्स अगर बिलोंग्स टू इंटीजर है तो x मेरा इंटीजर है, तो ओवरऑल मुझे ये जो लिखी है कंडीशन 1, 2 एंड 3 इन तीनों का इंटरसेक्शन प्लस उनमें से वही वैल्यूज देनी जो इंटीजर्स हों। तो देखना x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 4 लेस देन इक्वल्स टू 10, तो इधर से मेरा 4 से 10 आया, और प्लस मुझे ग्रेटर देन इक्वल्स टू 6.5 चाहिए, मतलब 7, 8, 9, 10 क्या क्या आंसर आ गए मेरे, 7, 8, 9, 10 दीज आर माय आंसर्स। ये इंटीजर्स है पहली बात तो, प्लस वो इसको भी सेटिस्फाई कर रहे हैं, इसको भी सेटिस्फाई कर रहे हैं एंड इसको भी सेटिस्फाई कर रहे हैं। मुझे वही एक्स चाहिए थे जो इन तीनों कंडीशंस को सेटिस्फाई करें और प्लस इंटीजर्स हो। क्लियर है बच्चों? तो ये क्वेश्चन हमने उधर भी किया था, ये काइंड ऑफ रिविजन हो गया हमारा, ठीक है। तो वीडियो पॉज करो, कॉपी करो, और एक क्वेश्चन मैं तुम्हें होमवर्क के लिए देता हूँ इसी टाइप का, तो उससे पहले मैं रब कर देता हूँ। चलो पहले क्वेश्चन भी लिख लो, इसको ये वाला क्वेश्चन लिख लो एक, देखो इसमें थोड़ा सा अलग है, मैं इसका आंसर भी लिख लेता हूँ, वेरीफाई कर लेना तुम लोग, ठीक है। ये हो गया मेरा एफ एक्स इज इक्वल टू, दिस इज योर होमवर्क क्वेश्चन, 1/√10c x माइनस वन माइनस थ्री टेन सी एक्स। थोड़ा सा अलग है क्योंकि इसमें ये ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो ये भी करना पड़ेगा तुम्हें, ठीक है ना, थोड़ा सा वर्क करना पड़ेगा, तो मैं इसका डोमेन निकालो, ठीक है। मैं आंसर लिख देता हूँ, आंसर इज 9, 10, एक्स 9 और 10 ही होगा, इसके अलावा कुछ नहीं होगा, ठीक है। ये तुम्हारा होमवर्क क्वेश्चन है, अगर नहीं आता है तो तुम लोग मुझसे व्हाट्सएप पे पूछो, ठीक है। चलो अब मैं इसको रब कर देता हूँ, अब हम कुछ क्वेश्चंस और देख लेते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज देखना, एग्जांपल लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वन टू द बेस 3 + x, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है। तो क्या होना चाहिए, बेस ग्रेटर देन जीरो, आर्ग्यूमेंट ग्रेटर देन जीरो प्लस बेस नॉट इक्वल टू वन, तो एक्स स्क्वायर माइनस वन ग्रेटर देन जीरो, तो इससे आया मेरा -1, 1। मैं फास्ट कैलकुलेट कर रहा हूँ बिकॉज बहुत ही आसान क्वेश्चन है, 1 और ये 1, ये तो हो गया मेरा इसके रिस्पेक्ट में, बेस के रिस्पेक्ट में x प्लस थ्री शुड बी ग्रेटर देन जीरो, तो x ग्रेटर देन -3, तो इधर से आया मेरा -3 से बड़ा। एंड लास्टली x प्लस थ्री शुड नॉट बी इक्वल्स टू 1, ये मत भूलना, x नॉट इक्वल्स टू -2। तो अब देखो मैं इधर से ले रहा हूँ, देखो इन दोनों का इंटरसेक्शन लूंगा तो -3 से -1 उसके बीच में -2 आ जाएगा, तो मुझे हटाना पड़ेगा, तो फाइनली आंसर क्या लिखूं, -3 से -2 यूनियन -2 से -1। अब ये वाला पार्ट नहीं है इंटरसेक्शन, फिर 1 से इंफिनिटी,
एंड दिस इज आंसर। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ठीक है ना। ये तो इसीलिए दिया है, बस एक बार रिवाइज हो जाए। लॉग ए टू द बेस बी में हम क्या करते हैं, ए ग्रेटर देन 0, बी ग्रेटर देन 0, प्लस द मोस्ट इंपॉर्टेंट बेस शुड नॉट बी इक्वल्स टू 1। क्लियर है बच्चों? चलो तो मैं इसको रब कर देता हूं अगेन। अब देखना, एक एग्जांपल देखो, log of 5x minus x square upon 4 to the base 10, इसका अंडर रूट, ठीक है। दिस इज माई एफ एक्स, तो सॉल्व करो इसको, ठीक है। वीडियो पॉज करके सॉल्व करो, मैं इसको सॉल्व करता हूँ अभी। तो इसको डिफाइन होने के लिए क्या होना चाहिए हमारा, पहले ये निकालेगा रूट ऑफ एफ एक्स लिखा है, तो पहली बात तो एफ एक्स डिफाइन होना चाहिए, प्लस एफ एक्स शुड बी ग्रेटर देन 0, इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू। तो हम क्या लिखेंगे, लॉग ऑफ 5x minus x square upon 4 to the base 10 should be greater than equals to 0, ठीक है? हाँ, करेक्ट है। अब ये लॉगरिथमिक इनइक्वालिटी हो गया, तो इसमें दो चीजें हैं। तो पहले डोमेन, इसका खुद का अपने आप का डोमेन, तो इसका डोमेन क्या होगा, इसका जो आर्गुमेंट है दैट शुड बी ग्रेटर देन 0। तो एक तो आया मेरा 5x minus x square upon 4 should be greater than 0, ठीक है, प्लस इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करना। अब देखना, ये तो हो गया इसका डोमेन, किसका, इस इनइक्वालिटी का डोमेन। अब इस ये इनइक्वालिटी क्या बनी, सिंस बेस इज ग्रेटर देन 1, तब मैं लॉग हटाऊंगा तो क्या होगा, मेरा इनइक्वालिटी का साइन सेम रहेगा, चेंज नहीं होगा। तो ये मेरा हो गया 5x minus x square upon 4, इट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 10 minus 10 की पावर 0 व्हिच इज 1। तो बस इसको सॉल्व करो, इसको सॉल्व करो, बहुत आसान क्वेश्चन है, ठीक है। इसके बाद तुम लोग कर लेना, ये भी क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी हो गया, ये भी क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी हो गया, सॉल्व बोथ इट एंड टेक इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन क्यों, बिकॉज ये तो इनइक्वालिटी है, और जो इनइक्वालिटी बना उसमें लॉग का टर्म है, उसका डोमेन है ये। अच्छा, एक चीज और बात, वैसे ऑब्जर्वेशन से देख सकते हो कि इन दोनों को सॉल्व करना इज इक्विवेलेंट टू इसको सॉल्व करना। क्यों, क्योंकि मैं बोल रहा हूँ कोई चीज ग्रेटर देन 0 उसके करस्पॉन्डिंग एक्स निकालो, मैं बोल रहा हूँ कोई चीज ग्रेटर देन 1 हो उसके करस्पॉन्डिंग एक्स निकालो, तो दिस इन दोनों को सॉल्व करना इज इक्विवेलेंट टू केवल ये सॉल्व करना, बिकॉज अगर ये ट्रू हो गया तो ये अपने आप ट्रू होगा। अगर कोई क्वांटिटी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 है तो वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 तो होगी ही होगी, तो हम उसके करस्पॉन्डिंग एक्स निकाल लेते, बिकॉज हमें फाइनली इंटरसेक्शन ही तो लेना है, हमें वो एक्स लेना है जो दोनों को सेटिस्फाई करे। और मैं क्या बोल रहा हूँ, इसके जो एक्स आएंगे वो इसको हर एक को सेटिस्फाई करेगा, तो केवल आंसर इसका निकाल लो। क्लियर है बच्चों? ठीक है, तो अब मैं कुछ होमवर्क क्वेश्चंस दे देता हूँ क्लास के लिए, ठीक है, तुम लोग सॉल्व करना, और नहीं आता है तो यू कैन आस्क मी द डाउट्स। तो हम लोग कुछ क्वेश्चंस होमवर्क के लिए लिख लेते हैं, अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं, ठीक है, तुम्हें पूरा सॉल्व करना है इसको, हर एक क्वेश्चन को, और आज की आज सॉल्व करना है, बिकॉज कल से हम वो पढ़ेंगे, क्या बोलते हैं अपना, रेंज, तो वो थोड़ा टफ पार्ट है, ठीक है ना, एज कम्पेयर टू दिस इट इज टफ। वैसे टफ नहीं है, कंपैरिजन अगर करूंगा तो डोमेन के कंपैरेटिवली इट इज टफर। तो अब देखना, मैं लिख रहा हूं, बहुत सारे एग्जांपल देने वाला हूं, प्रैक्टिस अच्छी खासी हो जाएगी, और सारे सॉल्व करने हैं, एक भी नहीं छोड़ना है, सारे अच्छे लेवल के क्वेश्चन है। दिस इज जीआईएफ, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ठीक है। टू की पावर एक्स प्लस टू की पावर वाई इक्वल टू 2, ये क्या लिखा है, सेकंड वर्स एक्स अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स, दिस इज लॉग ऑफ मॉड ऑफ लॉग एक्स, दिस इज लॉग ऑफ मॉड ऑफ लॉग एक्स। टू माइनस मॉड एक्स अपॉन 4, ठीक है ना, अगर मान लो दिख नहीं रहा तो सुन के देखो क्या लिखा है मैंने, कॉस इनवर्स 2 माइनस मॉड एक्स अपॉन 4 प्लस लॉग ऑफ 3 माइनस एक्स इसका होल इनवर्स, मतलब 1 अपॉन लॉग ऑफ 3 माइनस एक्स लिखा है। देन कम्स फिफ्थ क्वेश्चन, अंडर रूट ऑफ लॉग ऑफ 1 अपॉन मॉड ऑफ साइन एक्स, दिस इज मॉड ऑफ साइन एक्स, ठीक है। चलो सिक्स्थ वन, लॉग टू द बेस 2 माइनस लॉग टू द बेस हाफ, फिर है 1 प्लस एक्स की पावर माइनस 4
दिस इज माइनस वन, ठीक है. देन कम सेवेंथ वन, एफ एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ लॉग टू द बेस मॉड एक्स माइनस वन, और इसका आर्ग्यूमेंट लिखा है एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स प्लस फोर, ठीक है ना. चलो और लिखते हैं अभी हम एग्जाम्पल, ठीक है. तो मैं और लिखता हूँ एग्जाम्पल, देखना. नेक्स्ट इज एट वन, एफ एक्स इज इक्वल टू एल एन ऑफ, देखना क्या लिखा है, ए एक्स क्यूब प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स स्क्वायर प्लस बी प्लस सी इंटू एक्स प्लस सी, ठीक है ना. और दे रखा है ए ग्रेटर देन जीरो, और एक और कंडीशन दे रखा है बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी इज इक्वल टू जीरो. देन फाइंड डोमेन, फाइंड डोमेन. अच्छा क्वेश्चन है, सिंपल है लेकिन अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है. और देख लेते हैं हम क्वेश्चंस. नाइन्थ, वन अपॉन अंडर रूट ऑफ, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है. नाइन्थ वन, फोर एक्स माइनस, दिस इज फोर एक्स, फोर एक्स माइनस मॉड ऑफ, मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस टेन एक्स प्लस नाइन, ठीक है ना. तुम लोग आंसर मुझसे पूछ लेना व्हाट्सएप पे, तो उससे मुझे ही पता चलेगा किस किसने किया या नहीं किया, ठीक है. टेंथ वन, वन अपॉन अंडर रूट ऑफ मॉड ऑफ कॉस एक्स प्लस कॉस एक्स, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है. थोड़ा ट्रिग्नोमेट्री इन्वॉल्व है, पीरियोडिक पीरियोडिक फंक्शन इन्वॉल्व है. उसके बाद ये बहुत एक दो जगह और आगे जाके आएगा, ये क्वेश्चन तुम्हारा शीट में भी आएगा. अभी लिख देता हूँ मैं, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स की पावर, इसको करना, ये भी एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है. इलेवेंथ वन जो लिख रहा हूँ मैं, ये तुम्हारा शीट में भी क्वेश्चन है, प्लस एक्स की पावर फोर माइनस एक्स प्लस वन, ठीक है. ये हमारा क्या लिखा, एफ एक्स, सबके आगे एफ एक्स लिखा है, एफ एक्स इजिकल टू दिस, सब फंक्शन है हमारे, एफ ऑफ एक्स इजिकल टू दिस, एफ ऑफ एक्स इजिकल टू दिस, ठीक है ना. क्या लिखा, एक्स की पावर ट्वेल्व माइनस एक्स की पावर नाइन प्लस एक्स की पावर फोर माइनस एक्स प्लस वन. और एक और क्वेश्चन लिख लेते हैं, एफ एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, इसको भी करना, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है. थोड़ा इंटरसेक्शन वगैरह के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा है, कि मतलब सेट्स के बीच में इंटरसेक्शन लेना है, ठीक है ना. एक अच्छा लेवल का क्वेश्चन है, डोमेन के लिए अच्छा लेवल का क्वेश्चन है. वैसे आसान ही बोलूंगा डोमेन, क्योंकि डोमेन के क्वेश्चन ईजी होते हैं एज कम्पेयर टू रेंज वगैरह. बट हाँ, उन सब में ये बोल सकता हूँ ये क्वेश्चन अभी तक का सबसे अच्छा क्वेश्चन होगा, ऐसा मेरा मानना है. इंटरसेक्शन वगैरह के पॉइंट ऑफ व्यू से सॉल्व करना तो आसान ही है, ठीक है ना. बट लास्ट स्टेप, लास्ट के जो स्टेप होगा ना, सेकंड लास्ट स्टेप, लास्ट स्टेप, जब तुम इसका डोमेन निकालोगे, इसका उन दोनों का इंटरसेक्शन लोगे, तब थोड़ा सा दिमाग लगेगा, ठीक है ना. देखना तुम लोग क्या लगे, इसलिए बोलो इसको प्रायोरिटी देना. एक ये जो मैं स्टार मार्क कर रहा हूँ, लास्ट के जो चार पांच लगे वो अच्छे लेवल के क्वेश्चन है, ठीक है ना. और इससे टफ क्वेश्चन नहीं आएंगे डोमेन के रिस्पेक्ट में. और लास्टली और लिख लो, एफ एक्स इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ कॉस इनवर्स ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स, ये लिखा है GIF, ठीक है. तो ये क्वेश्चन तुम लोग करना, फुल एनर्जी के साथ करना है, ठीक है ना. बिल्कुल मतलब जब मैं रेंज स्टार्ट करूँ उससे पहले तुम्हारे ये हो जाना चाहिए, ठीक है. नेक्स्ट लेक्चर, मतलब कल जब तुम लेक्चर सुनोगे उसके पहले ये कंप्लीट हो जाना चाहिए. ये लेक्चर कंप्लीट करने के बाद तुरंत इसको सॉल्व कर लेना, ठीक है ना. थोड़ा टाइम देना और आराम से, ठीक है ना. कोशिश करना, और मैं आंसर तुम लोग पहले मत पूछना, पहले तुम लोग सारे सॉल्व कर लेना, उसके बाद मुझसे व्हाट्सएप कर पाना, या फिर मैं ग्रुप में पोस्ट कर दूंगा सभी के आंसर्स, ठीक है. जैसे मान लो मेरा लेक्चर 10 से 12 होता है, तो इवनिंग में मैं 5 or 6 o'clock के आसपास मुझे याद दिला देना, उस टाइम मैं इसके सबके आंसर भेज दूंगा एक पेज पे लिख के, सो दैट यू कैन वेरीफाई, ठीक है. सो दैट्स इट फॉर टुडे. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. थैंक यू.